सूरत कपड़ा मार्केट में आए दिन जालसाजी की घटनाएं सामने आ रही है। इन दिनों कपड़ा बाजार में व्यापारी को ठगने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, जो किसी भी मार्केट में कारोबार शुरू करने के बाद शुरुआत में समय पर पेमेंट का भुगतान कर व्यापारियों का विश्वास जीतता है। इसके बाद बड़े पैमाने पर माल की खरीदी करने के बाद लाखों की धोखाधड़ी कर रफू चक्कर हो जाता है। इसके लिए वे एजेंटों को ज्यादा कमीशन देने का झांसा देते हैं, जिनके झांसे में आकर कुछ एजेंट व्यापारियों से उन्हें माल भी दिलवा देते हैं। अपना छोटा सा लाभ के लिए एजेंट व्यापारियों के रुपयों को जोखिम में डाल देते हैं। व्यापारियों को ध्यान देने की जरूरत है कि जिन एजेंटों का सब कुछ किराए पर है, ऐसे एजेंटों से बचना चाहिए। बढ़िया एजेंट के यहाँ से स्टाफ अलग होकर कुछ दिनों के बाद खुद की एजेंसी शुरू कर देता है, उसमें ज्यादातर लोग बेईमानी कर रहे हैं। इससे बच के रहना चाहिए। जिनसे आप व्यापार कर रहे हो, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित पूरा वेरिफिकेशन करके ही उनके साथ व्यापार करें, अन्यथा आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन व्यापारियों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। हर रविवार को साप्ताहिक मीटिंगों के जरिए समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। संस्था को अभी तक 5,668 शिकायतें मिली हैं, जिसमें देखा गया है कि ज्यादातर व्यापारियों को तकलीफ कपड़ा बाजार में झोला छाप एजेंटों से आई है। ज्यादातर शिकायतों की संस्था की ओर से निपटारा किया गया है। इसके लिए अलग से पंच पैनल और लीगल टीम का गठन किया गया है। एसएमए के अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने बताया कि व्यापारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी एजेंट से व्यापार कर रहे हो, उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके पास ऑफिस है या मकान है, वो खुद के ऑफिस या किराए के ऑफिस से कामकाज कर रहा है। इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अव्यापारिक एजेंटों से आग्रह किया कि अपने छोटे से लाभ के लिए व्यापारियों का पेमेंट जोखिम में ना डालें। व्यापारी व्यापार करने से पहले एजेंट की जानकारी जुटानी चाहिए। एजेंट का खुद का ऑफिस है या नहीं, आगे किसको माल भेज रहे हैं, वो पार्टी की हिस्ट्री कैसी है। अच्छे एजेंट से व्यापार करेंगे तो पेमेंट फंसने का चार्ज बहुत कम होता है। हम अपना कीमती माल दूसरे को बेचते हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी है कि व्यापारी व्यावसायिक नीति नियमों में सामने वाली पार्टी व्यापार करने के लिए सक्षम है या नहीं। रहा एजेंटों का सवाल, तो व्यापारी को एजेंट का पूरा डाटा खंगालने के बाद ही आगे व्यापार के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे उनका पेमेंट नहीं फंसे।